गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ने के लिए हमको एक ट्रांसफार्मर का कोर बनाना है। तो हमने ट्रांसफार्मर का कोर बना लिया जो कि अंदर से कैसा रहता है, हॉलो रहता है, और ये उसका थिकनेस है। तो हमने इसको थिकनेस के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये थिकनेस। और अंदर का मटेरियल क्या है, ये हॉलो है। और इसमें क्या रहता है, थीन सिलिकॉन सीड्स रहते हैं। तो ये मैंने सीड्स लेने के लिए इसको इस तरीके से बनाते गया, ठीक है, ये सीड्स बन गए। और एक ले सकते हैं ये सीड्स। फिर हमने इस पर वाइंडिंग लपेटना है, ये वाइंडिंग हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एसी सप्लाई ले लिया, ये एसी सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। ये है आपका कोर, ये आपका वाइंडिंग, ठीक। अब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर समझने से पहले आप ये समझिए कि जब आप यहाँ पे एसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, ये एक क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज्ड पाथ है। तो यहाँ पे क्या फ्लो होगा, करंट। तो आपने इसको नाम दिया I1। तो एसी सप्लाई से आपको क्या मिला, क्या मिला, करंट मिला I1। क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने एज्यूम किया कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, N1 है। तो I1 और N1 से आपको क्या मिलेगा, MMF मिलेगा। क्या मिलेगा, MMF, MMF मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स, MMF मिलेगा। उसके बाद इस MMF से आपका EMF इंड्यूस्ड होगा, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया E1 से, ठीक है। ये EMF इंड्यूस्ड होगा जिसको हमने रिप्रेजेंट किया E1 से। ये जो E1 है ये प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली N1 के। ये आगे के लेक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा कि E1 N1 के प्रोपोर्शनल कैसे हैं, ठीक है, जब मैं EMF इक्वेशन बताऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए समझिए कि AC सप्लाई है, क्लोज्ड पाथ है, तो करंट फ्लो हो गया I1। ये I1 और इनटू नंबर ऑफ टर्न्स N1 आपका MMF हो गया। इस MMF के कारण आपका इंड्यूस्ड EMF आया, जो वो इंड्यूस्ड EMF इस N1 के प्रोपोर्शनल है, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब ये जो इंड्यूस्ड EMF है वो आपको यहाँ पर भी EMF इंड्यूस करेगा, जिसको बोलते हैं E2। तो E1 से आपका आ गया E2। अब क्योंकि ये भी क्लोज्ड पाथ है तो ये एक सोर्स जैसा काम करेगा और यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा, इसको आपने नाम दिया I2। तो ये E2 से आपका ये हो गया I2। तो इस तरीके से आपका एक ट्रांसफार्मर क्या है, काम करता है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस का जो प्रिंसिपल है उसको बोलते हैं फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। ये जो मैंने पूरा प्रोसेस समझाया कि एसी सप्लाई यहाँ से लेकर के ईएमएफ इंड्यूस्ड E1 से लेकर के यहाँ तक E2 और उसके बाद देन I2, ये पूरा प्रोसेस क्या है, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। यहाँ से ईएमएफ इंड्यूस्ड होकर के E2 पे मिल रहा है, तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब इसमें कुछ लॉज हैं, लॉज क्या हैं, एक है आपका राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि ये मेरा पेन है, इस पेन में मैंने ऐसा करके इस तरीके से राइट हैंड थंब यूज करके मैंने ऐसा किया, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा जो रोटेशन है वो कैसा है, ऐसा ऐसा जा करके ऐसा है, फिर नेक्स्ट वाला फिर ये ऐसा करके ऐसा है। दैट मीन्स ये कैसा है, ऐसा है, क्लॉक वाइज है ना। ये देखिए मैंने ऐसा किया, ऐसा, दैट मीन्स ये क्या है, क्लॉक वाइज है। और मेरा अंगूठा का डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड्स है। तो ये मेरा करंट का डायरेक्शन है
और ये जो मेरा अंगूठा है ये मेरा फ्लक्स का डायरेक्शन है। तो अगर मैं इस पेन को एज्यूम कर रहा हूँ और इस पे मैं ऐसा करके इस तरीके से कर रहा हूँ, तो ये जो मेरा है ये क्या मेरा वाइंडिंग का है और इसी के मैं ऊपर में मेरा करंट जा रहा है, तो ये मेरा क्या शो करेगा, अंगूठा फ्लक्स। सेम वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है इस कोर के लिम्ब पे। तो कोर के लिम्ब पे ये ऐसा करके, ये जस्ट ऐसा करके मैंने ऐसा करके वाइंडिंग लपेटा, ये इस तरीके से, इस तरीके से जब मैं वाइंडिंग लपेट रहा हूँ तो ये मेरा कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है ना, क्लॉकवाइज हो रहा है ऐसा। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज करूँगा तो मेरा अंगूठा कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। फिलहाल के लिए अभी क्या हो रहा है, ये अपवर्ड्स हो रहा है। तो ये मेरा क्या है, करंट की डायरेक्शन है। तो फ्लक्स कैसे फ्लो हो रहा है, फ्लक्स फ्लो हो रहा है ऐसा अपवर्ड। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, राइट हैंड थंब रूल बोलता है ये है आपका करंट का डायरेक्शन और ये है आपका फ्लक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आपका जो ये इस मैग्नेटिक कोर में जो फ्लक्स है वो कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज आपको लेना है मान लो, ठीक है। तो आपको इसमें कैसा रोटेशन करना पड़ेगा, ऐसा, क्योंकि जब आप ऐसा रोटेशन करोगे तभी आपका जो फ्लक्स है वो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रोटेशन कैसा हुआ, ऐसा, ठीक है, इस तरीके से। सेम वही चीज़ यहाँ पर आपका कैसा रोटेशन होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, है ना, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तभी आपका जो फ्लक्स है वो नीचे जाएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स आपका कैसा जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, इसको भी अगर आप क्लॉकवाइज में ही करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर का भी, यहाँ पर का जो आपका लिम है जो रोटेशन करोगे वो कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा तभी वो नीचे फ्लक्स नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल, जिससे हमको ये समझ में आता है कि करंट के डायरेक्शन के हिसाब से हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स बाय लुकिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हो गया आपका एक रूल। सेकंड है लेंस लॉ। अब लेंस लॉ क्या बोलता है, लेंस लॉ ये बोलता है कि जो भी कॉज है ईएमएफ इंड्यूस्ड का प्रोड्यूस होना, ये उस कॉज को क्या करता है, अपोज करता है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ई1 आपका क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि आपने एसी सप्लाई दिया, एसी सप्लाई देने के बाद में ये क्लोज्ड सर्किट है और क्लोज्ड सर्किट के कारण यहाँ पे I1 करंट फ्लो हुआ। तो ये जो ई1 है ये क्या चाहता है कि मैं इस I1 को अपोज कर लूँ, ताकि ये I1 ना फ्लो हो तो मैं भी फ्लो नहीं होता। तो ई1 इसको अपोज करने के लिए ये इसकी डायरेक्शन कैसा बनाता है, ये बनाता है प्लस, ये बनाता है माइनस। अब ये ज़ूम करो कि ये सोर्स है, ईवन आपका एक सोर्स है, तो यहाँ से जो करंट निकलेगा वो कैसा निकलेगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और चाहेगा कि इस I1 को क्या कर दूँ, मैं कैंसिल आउट कर दूँ। इसलिए ईवन का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो लेंस लॉ क्या है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस इट्स ओरिजिनल कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, हैंस इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। तो ये क्या बताता है आपका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या है।
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या है, ये चाहता है कि जो भी इसका कॉज ऑफ प्रोडक्शन है ये उसको अपोज करना चाहता है। तो इसका कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इस एसी सप्लाई वोल्टेज से निकला हुआ ये करंट। तो अगर ये सोर्स होता तो ये क्या चाहता कि ये करंट किधर निकले, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट मीन्स वो इस आई वन करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इसलिए इसकी पोलरिटी क्या रहेगी, ऊपर प्लस रहेगी नीचे माइनस रहेगी, ठीक है। तो यही लेंस लॉ क्या बोलता है, और इसको हम लोग लिखते हैं E इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन डी फाइव बाय डी टी। क्या लिखते हैं, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन डी फाइव बाई डी टी। अब ये क्या है, E यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस, माइनस मीन्स अपोज कर रहा है किसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को। ये क्या है, ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। इसलिए मैंने आपको बताया था ना कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। अगर आप इस साइड का लिखोगे तो ये हो जाएगा ई वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन वन, और ई टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टू, ठीक है। तो ये जो आपका इंड्यूस्ड ई एम एफ है वो लेंस लॉ से क्या निकल के आया कि E इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन डी फाइव बाई डी टी। माइनस इसलिए क्योंकि ये इंड्यूस्ड ई एम एफ इस जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उसको अपोज करता है, ये जो करंट जो ओरिजिनल कॉज है उसको अपोज करता है, और ये डायरेक्शन उसी से मिलता है हमको। तो E इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन डी फाइव बाई डी टी ये कहाँ से मिला, लेंस लॉ उससे मिला। दूसरा लॉ हमने क्या पढ़ा, राइट हैंड थंब रूल, हमें जो फ्लक्स की डायरेक्शन चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हमको वाइंडिंग मतलब सॉरी कोर पे वाइंडिंग को लपेटना है। अगर अपवर्ड्स चाहिए तो आपको क्लॉकवाइज लपेटना पड़ेगा, अगर आपको डाउनवर्ड्स चाहिए तो आपको एंटी क्लॉकवाइज लपेटना पड़ेगा। तो ये है आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।